हेलो एवरीवन, आई एम डाइटिशियन काजल। मेरे व्यूअर्स के कमेंट्स आए थे कंस्टिपेशन पे वीडियो बनाने के लिए। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कंस्टिपेशन जो है आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनते जा रही है। ये सभी एज ग्रुप के लोगों में हो सकता है, लाइक ओल्ड एज हो गए, बच्चे हो गए, एडल्ट हो गए, सभी एज ग्रुप के लोग कंस्टिपेशन से सफ़र कर रहे हैं। भूख नहीं लगना, भूख नहीं लगेगा फिर आपका जो मील है वो स्किप हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको वीकनेस आ जाएगी। तो ये सारी आप चेंजेज अपने अंदर देख सकते हैं कंस्टिपेशन के दौरान। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी कि कंस्टिपेशन के क्या कारण हैं और ऐसा डाइट में क्या ले जिसके वजह से कंस्टिपेशन में आपको आराम मिले और आप उसको रोक सकें। तो कंस्टिपेशन का सबसे पहले हम कारण जानेंगे, इसके क्या कारण हो सकते हैं। कंस्टिपेशन का जो कारण है वो बहुत सारा हो सकता है, लाइक आपका कोई मेडिकेशन साइड इफेक्ट भी हो सकता है, अगर आप आयरन और कैल्शियम की सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, या कोई पेन किलर ले रहे हैं, या लैक्सेटिव का ओवर यूज किए हैं तो ये कारण बन सकता है, या फिर डाइट एंड लाइफ स्टाइल रिलेटेड भी हो सकता है। जैसे कि आप अगर ट्रेवलिंग कर रहे हैं, ट्रेवलिंग की वजह से आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जो मील है वो स्किप हो जा रही है, या फिर आपके डाइट में डाइट्री फाइबर का इंटेक जो है वो कम है, आप फ्लूइड का इंटेक कम रखे हैं अपने डाइट में, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, आप अगर वर्किंग हैं ऑफिस में टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं बिजी शेड्यूल की वजह से, फिर आपकी डाइट जो है वो मील जो है वो स्किप हो जा रही है, तो ये भी कारण हो सकता है। तो ऐसे ये सभी कारण हो सकते हैं कंस्टिपेशन के। अब हम कंस्टिपेशन के डाइट के बारे में जानेंगे कि ऐसा क्या डाइट में ले जिसकी वजह से हमें कंस्टिपेशन में आराम मिले और हम इसको रोक पाए। तो सबसे पहले जो है वो हमें अपनी डाइट में फाइबर का इंटेक जो है इंक्लूड करना पड़ेगा। फाइबर जो है वो सभी प्लांट फूड में होते हैं, लाइक सीरियल्स हो गया, फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड नट्स हो गए, सीड्स हो गए। तो सबसे पहले सीरियल्स में देखते हैं, सीरियल्स में ऐसा क्या है जो आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। सीरियल्स जो है उसमें आपको हमेशा होल ग्रेन सीरियल्स यूज करना है, होल ग्रेन ब्रेड यूज कर सकते हैं, ओट मील यूज कर सकते हैं, होल व्हीट यूज कर सकते हैं, बार्ली यूज कर सकते हैं, ज्वार यूज कर सकते हैं, ऐसे ही कुछ आप फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लाइक एप्पल, बनाना, पियर, कीवी। वेजिटेबल्स में आप ब्रोकली यूज कर सकते हैं, बीन्स यूज कर सकते हैं, पल्सेस में आप पीस और मसूर की दाल यूज कर सकते हैं, और ड्राई फ्रूट्स में आप डेट्स यूज कर सकते हैं, आप किशमिश यूज कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है अगर आप अपने डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं तो इससे आपको कंस्टिपेशन में आराम मिलेगा। इसके बाद आप अपने डाइट में कुछ सीड्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फ्लैक्स सीड है, चिया सीड है, ये दोनों ही फाइबर रिच है, प्लस एंटीऑक्सीडेंट रिच है और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी है। आप इसको 1 टेबल स्पून पूरे दिन भर में यूज कर सकते हैं, और ओवरनाइट सोक करके 1 ग्लास वाटर में आप एज इट इज भी ले सकते हैं, या फिर आप इसको स्मूदी पे, कर्ड पे भी यूज कर सकते हैं। कर्ड जो है वो आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें गुड बैक्टीरिया होता है और ये प्रोबायोटिक भी होता है, तो ये आपने आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। आप अपने डाइट में इसबगोल यूज कर सकते हैं, ये सीलियम हस्क होता है और फाइबर का बहुत ही अच्छा सोर्स, तो आप इसको भी 1-2 टेबल स्पून पूरे दिन भर में यूज कर सकते हैं, इससे भी आपको कंस्टिपेशन में आराम मिलेगा। आप बेकिंग सोडा को, जैसे कि आप 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 2 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर को अच्छे से मिक्स करके दिन में एक बार ले सकते हैं, इससे भी आपको कंस्टिपेशन में काफ़ी आराम मिलेगा। जो दूसरा पॉइंट है वो है
वाटर, आपको पूरे दिन भर में 8 से 10 ग्लास तक पानी पीना है। अगर आप पानी का इंटेक अच्छा रखते हैं अपने डाइट में तो इससे आपका जो डाइजेशन है वो काफ़ी इम्प्रूव होगा और आपको कंस्टिपेशन में आराम मिलेगा। तीसरा जो पॉइंट है वो है एक्सरसाइज, एक्टिविटी लाइक एक्सरसाइज हो सकता है, योगा हो सकता है, वॉक हो सकता है। आपको पूरे दिन में एक्टिव रहना जरूरी रहता है। आप 40-45 मिनट्स का वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। एटलीस्ट वीक में 5 डेज आपको एक्सरसाइज करना है। इससे क्या होगा, आपका बॉवेल फंक्शन इम्प्रूव होगा, फिर आपको कंस्टिपेशन में आराम मिलेगा। इसके अलावा कुछ ऐसी डाइट्स होती है जिसको कंस्टिपेशन के टाइम में आपको नहीं खाना होता है, लाइक कोई भी प्रोसेस्ड फूड जो है वो आपको नहीं लेना है, लाइक आपका वाइट ब्रेड हो गया, पिज्जा हो गया, पास्ता हो गया, एंड कोई भी डीप फ्राई चीज, पूरी, पकौड़ा, पराठा, समोसा, फ्राई फूड, नमकीन, चिप्स, कुरकुरे, ये सभी चीज़ को आपको अवॉइड करना होता है कंस्टिपेशन के दौरान। इसके अलावा आप जो भी डाइट ले रहे हैं आपको उसका खास ध्यान रखना है कि आपका जो डाइट है वो ज़्यादा ऑयली नहीं है, ज़्यादा सॉल्टी नहीं है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। एंड अगर आप लोगों की कोई भी कंसर्न हो डाइट से रिलेटेड, किसी भी डिजीज के डाइट के बारे में जानने के लिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।